So hello and welcome and very very good evening to my YouTube channel Sinal 301. आज की जो हमारी YouTube की क्लास है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है. इम्पॉर्टेंट इसलिए होने जा रही है क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको बताऊँगा म्यूज़िक की कुछ ऐसी 20 मोस्ट पॉपुलर बुक्स और उनके राइटर्स. तो ये जो वीडियो है ये हमारा बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा जो हमारा BPSC है. ये BPSC का नाम तो आपने सुना ही होगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन. BPSC मतलब स्कूल टीचिंग या स्कूल टीचर की वैकेंसी अवेलेबल है उनके लिए जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक क्लास है जिन्होंने म्यूजिक सब्जेक्ट से अप्लाई किया है. तो अब बात कर लेते हैं बुक्स और उनके राइटर्स की. एक सिंपल सा टेबल बना देता हूँ मैं. बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये हो गए हमारे बुक्स और ये हो गए उनके राइटर. फिर ये हो गए हमारे बुक्स और ये हो गए उनके राइटर. ठीक है, अब यहाँ पर जो पहली बुक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो देख लीजिए. बुक का नाम है गीत गोविंद. क्या नाम है बुक का? गीत गोविंद. इसके राइटर हैं जयदेव. क्या राइटर हैं? जयदेव. बुक का नाम याद रखिए, गीत गोविंद, राइटर हैं जयदेव. दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है हमारी दत्तिलम. दत्तिलम. अब इनके जो राइटर हैं उनका नाम बिल्कुल इनके बुक के जैसा ही है. उनका नाम है दत्तिल, या ये कह सकते हैं उन्होंने अपने ही नाम पर अपनी एक बुक लिखी है. दत्तिल जी ने लिखी है दत्तिलम. ठीक है, तीसरी बुक हम यहाँ पे लेंगे संगीत परिजात. संगीत परिजात. संगीत परिजात लिखी है अहोबल जी ने. किन्होंने लिखी है? अहोबल जी ने. ये जितनी भी बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं. अगर बुक से रिलेटेड सवाल आपका BPSC के एग्ज़ाम में आता है तो इनमें से एक दो बुक्स आपकी ज़रूर फंसेंगी, और बल्कि ज़्यादा भी फंस सकते हैं क्योंकि BPSC का जो पैटर्न है, BPSC में 80 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट है. तो 80 मार्क्स के सब्जेक्ट में आप मान के चलो कम से कम 5 बुक्स तो वो पूछ ही सकते हैं क्योंकि बुक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है. बुक्स और उनके राइटर, या तो राइटर पूछ लेंगे या बुक पूछ लेंगे. फिर आ जाओ संगीत रत्नाकर. संगीत परिजात के बाद संगीत रत्नाकर. ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक में से एक है संगीत रत्नाकर. राइटर है इसके शारंग देव. शारंग देव. अब बहुत सी जगहों पर शारंग देव ऐसे भी लिखा जाता है, शारंग देव. तो ये दोनों नाम एक ही हैं, शारंग देव या शारंग देव, आप जिस तरीके से लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं. पांचवी बुक है हमारे संगीत मकरंद. संगीत मकरंद लिखी है नारद जी ने. किन्होंने लिखी है? नारद जी ने. अरे भाई यहाँ देखो, नारद. संगीत मकरंद लिखी है नारद जी ने. यहाँ पे भाई पता नहीं क्यों चल नहीं पा रहा है, ये लोग चल गए. नारद जी ने तो संगीत मकरंद लिखी है नारद जी ने. ठीक है, अब यहाँ पे आपके 5 बुक्स हो गए. 5 बुक्स आज मैं आपको और करवाऊंगा, टोटल 10 बुक करवाऊंगा. 6 नंबर पे हम अपना बुक ले लेते हैं. वैसे तो देखिए बहुत सारी बुक है, कम से कम 50+ बुक्स हैं, लेकिन सारी बुक्स एक साथ याद रखना थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए आज 10 करते हैं. फिर 10 करेंगे हम आगे अपने चैप्टर्स करेंगे. 6 नंबर पे हम लेते हैं अभिन्न राग मंजरी. अभिन्न राग मंजरी. एक और बुक ले लेते हैं क्रमिक पुस्तक मलिका. ये
ये दोनों बुक्स लिखे हैं हमारे भातखंडे जी ने, इन्होंने लिखे हैं भातखंडे जी ने, विष्णु नारायण भातखंडे, आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने स्वरलिपि पद्धति बनाई है, जो म्यूजिक की हिस्ट्री में, म्यूजिक के करियर में, एंटायर म्यूजिक के फील्ड में बहुत बड़ा नाम रहे हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, श्री विष्णु नारायण भातखंडे जी ने, उन्होंने ये दो बुक्स लिखी हैं, अभिनय राग मंजरी और क्रमिक पुस्तक मलिका। 8th नंबर पे हम ले लेते हैं राग दर्पण। राग दर्पण, राग दर्पण लिखे दामोदर जी, इन्होंने लिखे दामोदर जी। 9th नंबर पे हम ले लेते हैं, भाई देखो ये सारे बुक्स मुझे तो पता है, अब मैं आपको वो करवा रहा हूँ जो मेरे हिसाब से आपसे कहीं ना कहीं ज़रूर पूछी जा सकती है, मतलब जो मैं आपको पूरी 50 बुक्स करवाऊँगा वो तो पूछी जा सकती है, उन 50 में से कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये ना ये 10 वेरी 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो मैं आज आपको करवा रहा हूँ। संगीत दर्पण के बाद आप ले सकते हैं ब्रह्मदेशी, ब्रह्मदेशी, ब्रह्मदेशी लिखी है मतन जी ने, इन्होंने लिखी है मतन जी। 10th और लास्ट बुक हम लेते हैं, किसकी ले ली जाए, संगीतांजलि, संगीतांजलि, संगीतांजलि लिखी है पंडित ओम प्रकाश नाथ ठाकुर जी ने, ठीक है। तो ये हैं भाई वो 10 बुक्स जो म्यूजिक के पेपर में, जिन्होंने BPSC में म्यूजिक से अप्लाई किया है या फिर किसी भी तरीके के टीचिंग एग्जाम में उन्होंने म्यूजिक से जिन्होंने अप्लाई किया, उनके लिए एक क्वेश्चन बुक्स और उनके राइटर से रिलेटेड ज़रूर है। क्वेश्चन ट्रिकी भी हो सकता है, क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एक बुक दे देंगे इसके राइटर बताइए, या कोई राइटर दे देंगे इनकी बुक बताइए। तो ये 10 तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें हमारी पहली आ जाती है गीत गोविंद जयदेव दत्तिलम दत्तिल, संगीत परिजात, यह संगीत परिजात है, संगीत परिजात अहोबल, संगीत रत्नाकर शारंगदेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप म्यूजिक को ऑफिशियली काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहे हैं तो आपने शारंगदेव का नाम जरूर सुना होगा, संगीत रत्नाकर का नाम जरूर सुना होगा। फिर संगीत मकरंद नारद जी ने लिखी है, अभिन्न राग मंजरी भातखंडे जी ने लिखा है, क्रमिक पुस्तक मलिका भातखंडे जी ने लिखी है। अब आप संगीत अगर पढ़ते हैं तो भातखंडे जी एक बहुत बड़ा नाम है, राग दर्पण दामोदर ब्रह्मदेशी मतन और संगीतांजलि ओमकारनाथ ठाकुर जी ने लिखी है। ओमकारनाथ ठाकुर जी से भी आप लोग अच्छी तरीके से परिचित होंगे। तो आज की क्लास में बस ये 10 बुक्स हैं, ये आपका जो है आज का क्लास है, इन 10 बुक्स को आप बिल्कुल अपने फिंगर टिप्स पर याद कर लीजिए, बुक का नाम लिया जाए तुरंत आप उसके राइटर का नाम बताएं, या राइटर का नाम पूछा जाए और राइटर ऑफ क्वेश्चन में हो, बुक का नाम पूछा जाए तो तुरंत आप उसके बुक का नाम बताएं, ऐसे आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए। तो आज की क्लास में ये 10 बुक्स, नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बुक्स देखेंगे।